Hi friends, welcome to my YouTube channel Deepa and Lalwani, and welcome to my mom's kitchen. आज हम लेके आए हैं एक नई रेसिपी आलू टोस्टर या पोटैटो सैंडविच. उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं. पोटैटो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए स्लाइस ब्रेड, 4 स्लाइस ब्रेड्स. आप व्हीट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो. साथ में हमें सब्जियों में चाहिए होगा 2 बॉयल पोटैटोस, इसको हमने पील कर लिया है. 1 हरी मिर्च जिसको हमने बारीक काट लिया है. थोड़ा सा हरा धनिया. साथ में मसालों में हमें चाहिए होगा 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर. अगर आप तीखा कम खाते हैं तो थोड़ा मिर्च कम डालें. फिर आता है 1 चम्मच नमक, छोटा चम्मच. तो चलिए बनाते हैं पोटैटो सैंडविच. फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दीपा एंड लालवानी और बेल बटन को प्रेस करें. और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें. सबसे पहले हम एक प्लेट ले लेंगे या बाउल ले लेंगे, उसमें हम पोटैटोस को मैश कर देंगे. नमक डाल देंगे, मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, अमचूर पाउडर और मिक्स कर देंगे. आलू के मसाले को हम ब्रेड पे लगा देंगे. और सैंडविच बना लेंगे. ऐसे ही एक दूसरा सैंडविच बना लेंगे. अब ब्रेड लगा लेंगे. तवे को हमने गरम करने रख दिया है. उस पर थोड़ा तेल लगा लेंगे. और सैंडविच को सेक लेंगे. सैंडविच को पलट लेते हैं. और थोड़ा तेल स्प्रेड कर लेंगे. सैंडविच को कटोरी से थोड़ा प्रेस करेंगे. और गैस को स्लो कर देंगे. थोड़ा सा तेल लगाएंगे और सेक लेंगे. दोनों तरफ से अच्छी तरह से सैंडविच को सेक लेंगे. सैंडविच बनके रेडी है. इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी बना लेंगे. सैंडविच को पलट लेंगे. और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे.
सैंडविच को प्रेस करने से दोनों स्लाइसेस मसाले के साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा सैंडविच भी बनके रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। आलू सैंडविच बनके रेडी है, आप भी खाइए और बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दीपा एंड लालवानी और बेल बटन को प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सैंडविच को आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी खाइए और घर पे सबको खिलाइए, और बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी है तो उन्हें भी खिलाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।